मॉर्निंग, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं ल्यूसेंट के आधुनिक भारतीय इतिहास से आज लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 36वां अध्याय है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या के हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। फारूक शेर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। तुरानी शासक हैदर बैग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिसिच खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नोट, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। आइए मुगलों के स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके संस्थापकों को देखेंगे। पहला है अवध, जिसके संस्थापक थे सआदत खां। दूसरा हैदराबाद, जिसके संस्थापक चिनकिसिच खां या निजामुन मुल्क आसफ शाह आसफ जा। तीसरा है रुहेलखंड, जिसके संस्थापक वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। चौथा है बंगाल, जिसके संस्थापक मुर्शिद कुली खां। पाँचवा है कर्नाटक, जिसके संस्थापक हैं सादतुल्ला खां। छठा है भरतपुर, जिसके संस्थापक चूरामन एवं बदन सिंह। नोट, मुगल सम्राट बहादुर शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। आगे बढ़ते हैं। ईरान, फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस, जिसे पिकक थ्रोन भी कहते हैं, तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को देखते हैं, उनके काल को देखें। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फारूक शेर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो 1837 से 1857 ईस्वी तक शासक रहे। अब अगला जो हमारा अध्याय है 37वां, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सान थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा।
डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक खोट ही, जिसे फैक्ट्री कहते हैं, 1605 ईस्वी में मसूली पट्टम में स्थापित किया। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदारा के युद्ध में हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंग्स था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। अब हम विभिन्न कंपनियों और उनकी स्थापना वर्ष को देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। अगले पृष्ठ पर चलेंगे। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारी कोठी खोलने की इजाजत दी। नोट, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी मछलीपट्टम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट में सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहां एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। नोट, गेराल्ड ऑंगियर सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। बंगाल का शासक शाह सुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गांव सुतानुती कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोटी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुए। 1748 ईस्वी में एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ।
दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना के ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवाश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। पृष्ठ संख्या 66। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थी। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। और तीसरा अध्याय है बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजरेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी दामाद सुजाउद्दीन था। 1740 ईस्वी में चिड़िया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। उसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। अब हम बंगाल के नवाब एवं उनके कालक्रम को देखें। पहले हैं मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727, दूसरे हैं सुजाउद्दीन 1727 से 1739, तीसरे हैं सरफराज खां 1739 से 1740, चौथे हैं अलीवर्दी खां 1740 से 1756, पाँचवें हैं सिराजुद्दौला 1756 से 1757, छठे हैं मीर जाफर 1757 से 1760, सातवें हैं मीर कासिम 1760 से 1763, आठवें हैं फिर वापस मीर जाफर 1763 से 1765, नवे हैं निज़ामुद्दौला 1765 से 1766, दसवें हैं शैफुद्दौला 1766 से 1770 और ग्यारहवें हैं मुबारकुद्दौला 1770 से 1775। 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नोट, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब की वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुगदलपुर जिसे कहते थे, स्थानांतरित किया। नोट, बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए एवं इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अगला अध्याय 39, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। पृष्ठ संख्या 67। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी
श्रीरंगपट्टम में पातशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। हम आंग्ल मैसूर युद्ध और उसके वर्ष और उनके गवर्नर को देखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, जिसके गवर्नर जनरल थे गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792, इसमें कार्नवालिस गवर्नर जनरल थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, लॉर्ड वेलेजली इसमें गवर्नर जनरल थे। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निज़ाम एवं अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। आगे बढ़ते हैं। नोट, 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने सर आयुटकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। अब कुछ महत्वपूर्ण संधियां देख लें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो हुआ था 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ 1784 में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त हुआ, जो हुआ था 1792 ईस्वी में। आगे हमारा 40वां अध्याय है सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक जो उसके प्रथम गुरु थे को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक एक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत जिसे धर्मशाला कहते हैं और पंगत जिसे लंगर कहते हैं स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहाँ वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरु मुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीवी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्यों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीवी के पति रामदास 1574 से 1581 सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीवी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन जो 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे सिखों के पांचवें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं एवं गीत संकलित हैं। नोट, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर नामदेव रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हर मंदिर साहब का निर्माण किया। अगला पृष्ठ है 68। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों की सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त एवं ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। ये दो तलवारें बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी की। सिखों के सातवें गुरु हर राय 1665 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक हुए। इन्होंने दारा को मिलने आने का पर आशीर्वाद दिया। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था।
सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए पांच ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़े रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। इनके दो पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिला के राजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फारूक शेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह की गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदारा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जसा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दर्जे में विभाजित किया और इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सामान होता है। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिस्र के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिस्र का के प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराणा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। अगला पृष्ठ है 69। रणजीत सिंह का राज्य चार सूबों में बंटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी, भैरावाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलिया वाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पौंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर
को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। अब हम अगले अध्याय में जाएंगे जो है 41 कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को के लिए दो उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बेरेलस्ट 1767 से 1769, कार्टियर 1769 से 1772 ईस्वी और वारन हेस्टिंग 1772 से 1774 ईस्वी हुए। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसी के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग 1774 ईस्वी से 1785 ईस्वी हुआ। वारन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी, एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंसन चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। अगला पृष्ठ है 70। इसी समय से सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिस्की ने किया था। इसी के समय से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इसमें बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 वारन हेस्टिंग्स के समय लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में समाप्त हुए। इसकी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। नोट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में वह इन आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अगले हैं सर जॉन मैफर्सन, जो 1785 से 86 तक रहे गवर्नर जनरल। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया था। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्रांतीय जमींदार को इसका अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन व डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% अर्थात 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% हिस्सा, जो 1/11 भाग होता है,
अपने पास रखना होता था। स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी क्षेत्र जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगले गवर्नर जनरल हैं सर जॉन शो, जो 1793 से 1798 ईस्वी तक रहे। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अगला पृष्ठ है 71। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, परंतु बहुत व्ययशील होने की वजह से इसे बंद कर दिया। नोट, प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 ईस्वी में इंग्लैंड में होलीबरी ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों के प्रशिक्षण को प्रारंभ किया। वह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी, 1806 ईस्वी में वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह में इसका काल काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसके समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-1816 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों को गोरखा के बीच संगोली की संधि के लिए आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता में वासिल मोहम्मद जीतू और एवं करीम खा थे। इसने मराठा की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। इसके समय में भारत आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 36 ईस्वी लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडुबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर की सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। अगले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर था। इसी समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने तथा कानों में बालियां ना पहनने देने पर वेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोट, अकबर और मराठा पेशवा ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लिमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्रा एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। अगले हैं भारत के गवर्नर
चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836। इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगले भारत के गवर्नर हो गए आपके लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी। 1839 में इसने कलकत्ता में से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद द्वारा प्रदान की गई। अगले हमारे गवर्नर हैं भारत के गवर्नर लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। अगले गवर्नर हैं लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी हुई। इसमें अंग्रेज विजय हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अगले हैं गवर्नर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी। जगत प्रसिद्ध सिख राजा का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पिगू का अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उन पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था। डलहौजी के शासनकाल में व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य का विलय किए गए थे। सबसे पहले प्रतारा 1848 में जैतपुर बुंदेलखंड एवं संभलपुर उड़ीसा, 1849 में बघाट हिमाचल प्रदेश, 1850 ईस्वी में उदयपुर मध्य प्रदेश, 1852 ईस्वी में झांसी, 1853 ईस्वी में नागपुर, 1854 ईस्वी में। सन 1856 ईस्वी में अवध के कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में उड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता मद्रास बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही साथ प्रत्येक में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। अगला पृष्ठ है 73। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। नोट, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। अब हम भारत के पहले वायसराय को देखेंगे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। ये भारत के में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारतीय सम्राट के ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय था। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह।
इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून का रूप बना दिया गया और सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यपगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। अगले वायसराय हैं लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। अगले वायसराय हैं लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसके समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। अगला पृष्ठ है हमारा 74। सन 1865 ईस्वी में इसी के द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीफोन टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। अगले वायसराय हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ था। अगले वायसराय हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेजा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना था। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इसी के समय हुआ। इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। अगले वायसराय हैं लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकार में इसने ओवन मेरिडिच के नाम से जाना जाता है। इसके समय में मद्रास, बंबई, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक आयोग, अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश के प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। नोट: पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखना एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अगले वायसराय है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। नोट: भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी। रिपन के द्वारा ही
सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। पृष्ठ संख्या 75। इसके समय में यूरोप में हुए के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटेंगल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। अगले वायसराय हुए लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एयू ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अगले वायसराय हैं लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंट रेखा का निर्धारण इसी के समय हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। अगले वायसराय हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसे इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। 1885 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। अगले हमारे वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक आयोग, अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन ने भारत विरोधी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1905 का बंगाल का विभाजन। अगले वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस में के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। पृष्ठ संख्या 76। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग को पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। अगले हमारे वायसराय हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। कांग्रेस में के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके शासनकाल में 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। खिलाफत आंदोलन तथा गांधी जी के असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। अगले हमारे वायसराय हैं लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी
चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में अकाल हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। 1921 ईस्वी में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। भारत में 1922 ईस्वी से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। अगले वायसराय हैं लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। इसी के समय लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। पृष्ठ संख्या 77। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। अगले वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। इसकी के समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अपनी उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत अर्थात असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब एवं सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिस्ट मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। अगले वायसराय हैं लॉर्ड वेवल 1944 से 1947।
शिमला समझौता 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य स्टॉफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। पृष्ठ संख्या 78। अगले वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 तक। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारतीय विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नोट, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। अब अगले अध्याय में चलेंगे, अध्याय 42, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसमें आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता और समय है। पहला है सन्यासी विद्रोह, बंगाल बिहार में हुआ। इसके नेता थे केना सरकार, द्विज नारायण, 1760 से 1800 ईस्वी में। दूसरा है फकीर विद्रोह, बंगाल में हुआ, मजनून शाह और चिराग अली के द्वारा 1776 से 1777। तीसरा है चुआर विद्रोह, बांकुड़ा बंगाल में। इसके नेतृत्व करता दुर्जन सिंह और 1798 में हुआ। अगला है पालीगरों का विद्रोह, तमिलनाडु, वी पी कट्टावामन, 1799 से 1701 में हुआ। अगला है वेला टम्पी विद्रोह, ट्रावणकोर में मेलु थाम्पी के नेतृत्व में 1808-9 में हुआ। अगला है भील विद्रोह, पश्चिमी घाट, जिसका नेतृत्व करता सेवाराम, 1825 से 1831 पे। अगला है रामोसी विद्रोह, पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह के नेतृत्व में 1822 से 1829। पागलपंथी विद्रोह, असम में टीपू के नेतृत्व में 1825 से 1827। नवा है अहोम विद्रोह, असम में गोमधर कुंवर के द्वारा 1828 में। अगला है बहावी विद्रोह, बिहार, उत्तर प्रदेश में सैयद अहमद तुतीमीर, 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर झारखंड में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1831-32। खासी विद्रोह, असम में तिरुत सिंह के नेतृत्व में 1833। फरायजी आंदोलन, बंगाल में सरयतुल्ला टूटू मियाँ, 1838-48 में। अगला है नील विद्रोह, बंगाल बिहार में तिरुत सिंह, 1854-62 में। अगला है संथाल विद्रोह, बंगाल बिहार में सिद्धू कानू, 1855-56। अगला है मुंडा विद्रोह, बिहार, बिरसा मुंडा में के नेतृत्व में 1899-1900। अगला है पाइक विद्रोह, उड़ीसा में बख्शी जगबंधु द्वारा 1817-25 में किया गया। अगला है नील आंदोलन, बंगाल में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859-60 में। अगला है पापना विद्रोह, पापना बंगाल में ईशान चंद्र राय और शंभू पाल के नेतृत्व में 1873-76 में। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था, एक तरह का यह दंगा था, 1874-75 में। मोपला विद्रोह, मालाबार केरल में अली मुसलियर के द्वारा किया गया था 1920-22 में। कुका आंदोलन पंजाब में भगत जवाहरमल के द्वारा लगभग 1840 के आसपास हुआ था। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू, 1879-1922 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन बिहार में जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में हुआ था। तेनभागा आंदोलन बंगाल में कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह के द्वारा 1946 में, और तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1946 में हुआ। नोट, भगत जवाहरमल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों की कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला अध्याय है 43, 1857 की महान क्रांति। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 79। 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। नोट, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टोन लिबरल पार्टी के थे। अब 1857 की महान क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्रों को देखेंगे तो दिल्ली है, उसमें भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर बख्त खां। यह विद्रोह 11-12 मई 1857 को हुई और इसको दबाने वाले नायक थे निकलसन और हडसन, जिसको 21 सितंबर 1857 ईस्वी को इस विद्रोह को दबाने में
का काम किया। अगला विद्रोह का केंद्र है कानपुर, जहाँ इसके नेतृत्व करता थे भारतीय नायक नाना साहब एवं तात्या टोपे। जिस विद्रोह की तिथि 5 जून 1857 से प्रारंभ हुई, इसको दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी कैम्बल थे, जिन्होंने 6 सितंबर 1857 को इसको दबा दिया। अगले केंद्र है लखनऊ, जिसके नेतृत्वकर्ता भारतीय नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी, जो 4 जून 1857 को प्रारंभ हुआ और कैम्बल ने इसे दबा दिया मार्च 1858 में। अगला केंद्र है झांसी, जिसके नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई द्वारा जून 1857 में शुरू किया गया, जिसे ह्यूरोज के नेतृत्व में, ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में 3 अप्रैल 1858 को अंत कर दिया गया। अगला केंद्र था इलाहाबाद, जिसके नेतृत्वकर्ता थे लियाकत अली, 1857 में शुरू हुआ। इसे दबाने वाले अधिकारी थे कर्नल नील 1858 में। जगदीशपुर एक महत्वपूर्ण केंद्र बिहार का, जिसका नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे, यह अगस्त 1857 में प्रारंभ हुआ। इसे दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर थे, जिन्होंने 1858 में इस विद्रोह का दमन किया। बरेली में खान बहादुर खां का नेतृत्व था, जिसे 1857 में प्रारंभ हुआ, जिसे 1858 में दबा दिया गया। फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद अल्लाह उल्लाह 1857 में विद्रोह प्रारंभ किया, 1858 में इसे दबा दिया गया। फतेहपुर में अजीमुल्ला 1857 में प्रारंभ हुआ, जिसे जनरल रेनार्ड ने दबाया 1858 में। नोट, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह वीडी सावरकर का कहना है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह ब्रिटेन के डिजरेली का कहना है। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह सर जॉन लॉरेंस एवं सीले का मत है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह वक्तव्य जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर का है। बर्बरता एवं सभ्यता का बीच युद्ध था, यह टी आर होम्स जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उन्होंने बताया है। यह ईसाइयों या धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, एली आर रीज का मत है। अब अगले अध्याय में चलते हैं, जो है 44वां अध्याय, भारत का स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिमचंद चटर्जी ने उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 में ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई गिरी जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिमचंद चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी दत्त और वाचा ने धन के निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा की थी। अब चलते हैं अगले पृष्ठ में, पृष्ठ संख्या 80। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंगाल की टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। अब हम 1893 का वर्ष, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु देखते हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष 1872 से 1905 की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उसने लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 में को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति भी
से भी तुम लोगों के साथ एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण था। नासिक में चापेकर बंधुओं ने गुप्त संस्था सोसाइटी ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। अब आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेलों की यात्रा की। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पुणे के चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रेंड और आयस की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति में हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी एन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पुत्र पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन शिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा है। आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 81। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुद्दीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया जिसमें दो महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुद्दीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्नल वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत केंद्रिक ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, इसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कोमागातारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी में किराए पर लिया। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने दिल्ली के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी की दे दी गई। 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं कांशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे।
1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन हेतु मार्च 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज ओरिंडल को लीग का सचिव बनाया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। पृष्ठ संख्या 82। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजियों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 ईस्वी में समर्थन में की। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर को सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सर चिमनलाल सितलवाड़, शहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। उसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी थे। जालियांवाला बाग कभी जली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण समूचे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू एवं मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौराचौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। पृष्ठ संख्या 83। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोतला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें पंडित जी भी कहा जाता था, जिनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, इनका जन्म स्थान भावरा झाबुआ जिला वर्तमान के अलीराजपुर
जिला मध्य प्रदेश में है। जन्मतिथि 23 जुलाई 1906। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, माता जगरानी देवी। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। सही तिथि 27 मार्च 1931। संबंधित संगठन इनका नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। ममनाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ और फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापित की। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार ना करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की रातों रात में 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। पृष्ठ संख्या 84। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बम से पेरिस यात्रा से की। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल हुआ। नोट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद एवं महासचिव एन जी रंगा चुने गए। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जो
फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडिया लीजन नाम की सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन में खजी कुज़ुमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बुलाई गई जिसमें ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अगला पृष्ठ है 85। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्य को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर दिया गया था। 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के तीनों ब्रिगेड का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था जिस पर दहाड़ते हुए एक शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोक्यो जाते समय फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हुए हवाई जहाज के आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। नोट: सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज में गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्ना एवं मेजर शहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा दर्ज किया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई के नेतृत्व में के एन काटचू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5,200 सैनिक ने भाग लिया। इनकी मांग थी कि भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को बम्बई के INS तलवार नामक जहाज को नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 5,000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस और बी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त हुए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था।
मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इंग्लैंड कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल में मुख्यमंत्री शाहिद सुहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 को बैठक में स्वीकार कर लिया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने और कोई रास्ता नहीं है। गांधी, नेहरू, पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति ने कहा, देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास ना हो सका। 161 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट दिया और वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुद्दीन रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्य ने इसका विरोध किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने हाउस भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश का 15 अगस्त 1947 को दो डोमियनों, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। दोनों डोमियनों की पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली लेबर पार्टी के थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणीन्द्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया 1925 और 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा जी गांधी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायंकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। पृष्ठ संख्या 87। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो के में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडॉल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम जी रानडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे।
सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक महास्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरिदेशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। एयू ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एयू ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1949 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा कि यह एक आगे की तारीख की चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। 88 इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राजबिहारी बोस ने की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। आइए अब हम 45वें अध्याय पर चलते हैं जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। पहले है संस्थाएं, उसका स्थापना वर्ष और उसके संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा 1815 को राजा राममोहन के द्वारा। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राममोहन राय के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन 1826 को हेनरी लुई और विवियन डेरिजियो के द्वारा। ब्रह्म समाज 1828 को राजा राममोहन राय के द्वारा। तत्वबोधनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। परमहंस मंडली 1840 को गोपाल हरि देशमुख द्वारा। रहनुमाई मजदयासन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले द्वारा। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ द्वारा 1863 में। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 को सैयद अहमद खां के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 को दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पुनः सार्वजनिक सभा 1867 को एम जी रानाडे द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 को केशव चंद के सहयोग से एम जी रानाडे आत्माराम पांडुरंग देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि द्वारा। वेद समाज 1867 को आचार्य केशव चंद सेन द्वारा। सत्यशोधक समाज 1873 को ज्योतिबा फुले द्वारा। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 को सर सैयद अहमद खान द्वारा। इंडियन लीग 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा। आर्य समाज 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इंडियन एसोसिएशन 1876 को आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 को मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में विमेश चंद बनर्जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में एयू ह्यूम के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 को फिरोज शाह मेहता तेलंग और तैयब जी द्वारा। वेलूर मठ 1887 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 को महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। शारदा सदन 1889 में रामाबाई द्वारा। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। अभिनव भारत संस्था 1904 को विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। मुस्लिम लीग 1906 को आगा खां और सलीम अली उल्लाह के द्वारा। अनुशीलन समिति 1907 को वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा। सोशल सर्विस लीग 1911 को श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। विश्व भारती 1912 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। गदर पार्टी 1913 को लाला हरदयाल कासीराम द्वारा। पृष्ठ संख्या 89। हिंदू महासभा 1915 को मदन मोहन मालवीय द्वारा। होम रूल लीग 1916 को तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा। वुमेन इंडिया एसोसिएशन को 1917 को लेडी सदासी वैयर द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 को अली बंदी द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन
1920 को एन एम जोशी द्वारा, स्वराज पार्टी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 को सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 को डॉक्टर हेडगावर, नौजवान सभा 1926 को भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 को भगत सिंह के द्वारा, खुदाई खिदमतगार 1930 को अब्दुल गफार खां के द्वारा, हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में गांधी जी द्वारा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा, आजाद हिंद फौज 1942 में राज बिहारी बोस द्वारा, आजाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किए गए। अगला अध्याय है 46, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, आंदोलन वर्ष एवं संबंधित व्यक्ति या विषय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए यू ह्यूम द्वारा बंबई में, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में, कांग्रेस का विभाजन 1907 को नरम एवं गरम दल में विभाजित हुआ था सूरत फूट में, होम रूल आंदोलन 1916 को तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा अमृतसर में, खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 को जलियांवाला बाग से संबंधित, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित, असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी प्रहार। अगला है नेहरू रिपोर्ट 1 अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, पृष्ठ संख्या 90, बारदोली सत्याग्रह 1 अक्टूबर 1928, गुजरात के किसानों पर का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली पर बंग फेंकना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, 26 जनवरी की स्वाधीनता दिवस के रूप में मनवाने की घोषणा, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न यह सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की, द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया, कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं 16 अगस्त 1932, मैकडोनल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, पूना पैक्ट यरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता जिसमें सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और डॉक्टर एस एम जोशी, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939, सुभाष चंद्र बोस, मुक्ति दिवस 22 मार्च 1939, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940, मुस्लिम लीग ने के लाहौर अधिवेशन में, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय ललित को, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 स्टेफर्ड क्रिप्स, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी, शिमला समझौता 25 मार्च 1945, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन, नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946, मुंबई आने तलवार के सैनिकों द्वारा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946, भारत को स्वतंत्र कराने का आश्वासन, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स एवं ए बी अलेक्जेंडर का भारत आगमन, कैबिनेट मिशन का प्रकाशन, योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ, पृष्ठ संख्या 91,
प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री नेहरू प्रधानमंत्री बने, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 लॉर्ड वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी, स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, भूटान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 इसकी शुरुआत पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे ने की, रामचंद्रन रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं जो है भारत के महान शहीद, नाम संबंधित घटनाएं और सजा। खुदीराम बोस 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए, 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खां 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में एक बंदी बनाए गए, 18 दिसंबर 1927 को फांसी की दे दी गई। उधम सिंह 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार, 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी, सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा तथा 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाकर शहीद हो गए। सुखदेव सैंडर्स की हत्या के केस की में मौत की सजा हुई, 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ फांसी की सजा। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार, इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए। मास्टर अमीचंद दिल्ली षडयंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 में वायसराय हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए, 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षडयंत्र केस एवं लाहौर बम केंद्र के कांड के आरोपी में फरवरी 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया, 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रेंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। नोट, रेंड एवं आयस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। 18 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 92। मदनलाल ढिगरा 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या के कारण गिरफ्तार किया गया, 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। राजगुरु 17 दिसंबर 1998 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पुणे में एक मोटर गैराज से गिरफ्तार किए गए, 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दी गई। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके फरवरी 1883 में प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सरावा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए, 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। राजेंद्र लाहड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए, 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अनंत कान्हरे नासिक में जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभिव्यक्त होने के कारण बंदी बनाया गया, 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा के तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना का अभी तक कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं बन सका है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार किए, 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट ब्रज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार किया गया, 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कोवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी के पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार, 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई।
असित भट्टाचार्य। 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों में सिलसिले में गिरफ्तार। 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे, सोलापुर थाने पर हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन, 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार। 9 जून 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्यसेन, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार। 11 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। लाला लाजपत राय, 17 नवंबर 1928 को साइमन का विरोध करने के कारण पुरुष के द्वारा पार्श्विक लाठी प्रहारों के शिकार। लाठी प्रहार से 1 महीने के अंदर उनकी देहांत हो गया। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 93 और अध्याय है 48वां, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे, वचन एवं नारे और उनसे संबंधित व्यक्ति। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री 1965 में पाकिस्तान युद्ध के समय, मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बकिंचन चटर्जी, जनगणमन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, हु लिव इफ इंडिया हैज डाई जवाहरलाल नेहरू, मेरे सर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख जो उन्होंने मांग को ठुकरा दिया अबुल कलाम आजाद। अगला अध्याय है 49वां, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, इंडिया मिरर वाम बोधनी केशव चंद सेन, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, काल परांजपे, कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, केसरी दमराठा, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, कर्मयोगी युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री अरविंद घोष। अगले पृष्ठ पर चलते हैं 94, पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें और लेखक। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुधन्दनाथ बनर्जी, भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन, हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनिबेशन, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, द रिवोल्यूशनरी सचिंद्रनाथ सान्याल, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्र गफ्तूर दादा भाई नौरोजी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया मीन्स फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल अबुल कलाम आजाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, इंडिया अंड्रेस सर वैलेंटाइन शिरोल, इंडिया फॉर फ्रीडम चितरंजन दास, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, दिल दर्पण दीनबंधु मित्र, सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद, बागे दारा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, भारत दुर्दशा भरतेंदु हरिश्चंद्र, भारत कांग्रेस का इतिहास डॉक्टर प्रतापी सीतारमैया, सिद्धार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ देवी चौधुरानी, बकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नोट, राजा राम मोहन राय की भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किया। अगला अध्याय है 50वां, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर प्राप्त किए थे, इन्हें दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ था, इसे दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हुआ था, इसे दिया था एडोल्फ हिटलर ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोले की महिलाओं ने। देश रत्न आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दिया था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को प्राप्त हुआ था, ये दिया था महात्मा गांधी ने। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को मिला था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद
उपाधि को प्राप्त हुई थी विवेकानंद महाराजी महाराजा खेताड़ी के द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी और राजा राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा उपाधि दी गई थी। अगला अध्याय है हमारा 51वां कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ, 95 पृष्ठ में। तो पहला जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन 1887 को मद्रास में बद्रुद्दीन तैयब जी के अध्यक्षता में, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 को इलाहाबाद जॉर्ज यूल के नेतृत्व में, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन जो है 1889 में बम्बई में सर विलियम बेडरवन के द्वारा अध्यक्षता में। छठा अधिवेशन 1890 के कोलकाता के डॉक्टर सर फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में। सातवां अधिवेशन 1891 में नागपुर में पी आनंद चारलू की अध्यक्षता में। आठवां अधिवेशन 1892 में इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। नौवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दसवां अधिवेशन 1894 को मद्रास में अल्फ्रेड बेन वेब के अध्यक्षता में। ग्यारहवां अधिवेशन 1895 में पूना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। बारहवां अधिवेशन 1896 को कलकत्ता में हुआ था रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगला है पृष्ठ संख्या 96। तेरहवां अधिवेशन 1897 में अमरावती में श्री शंकरण नायर की अध्यक्षता में। चौदहवां अधिवेशन 1898 को मद्रास में आनंद मोहन दास के नेतृत्व में। पंद्रहवां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में। सोलहवां अधिवेशन 1900 में लाहौर एन जी चंद्रावरकर के अध्यक्षता में। सत्रहवां अधिवेशन 1901 को कलकत्ता में दिनशाह ईदुलजी वाचा के नेतृत्व में। अठारहवां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास लालमोहन घोष की अध्यक्षता में। 20वां अधिवेशन 1904 को बम्बई में सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। 21वां अधिवेशन 1905 को बनारस गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। 22वां अधिवेशन 1906 को कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में पहली बार स्वराज शब्द का इसमें प्रयोग किया गया। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में डॉक्टर रास बिहारी घोष के नेतृत्व में, इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। 24वां अधिवेशन 1908 में मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी घोष के नेतृत्व में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। 25वां अधिवेशन 1909 को लाहौर में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। 26वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद सर विलियम बेडरवन की अध्यक्षता में। 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता विश्व नारायण धर के नेतृत्व में पहली बार जनगण मन का गायन किया गया। 28वां अधिवेशन 1912 को बांकीपुर में आर एन मधोलकर के नेतृत्व में। 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के नेतृत्व में। 30वां अधिवेशन 1914 को मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में। 31वां अधिवेशन 1915 में बम्बई में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के नेतृत्व में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में अंबिका चरम मजुमदार के नेतृत्व में मुस्लिम लीग से समझौता। 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता एनी बेसेंट के नेतृत्व में प्रथम महिला अध्यक्ष थी। विशेष अधिवेशन 1918 में बम्बई में हसन इमाम के नेतृत्व में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। 34वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में सी वी राघवाचार्य, कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। 37वां अधिवेशन 1931 में अहमदाबाद हकीम अजमल खां के नेतृत्व में। 38वां अधिवेशन 1922 में गया में देश बंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। 39वां 1923 में काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में सबसे युवा अध्यक्ष। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में श्री निवास अयंगर के नेतृत्व में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। 43वां 1927 में मद्रास में डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता की मांग। 44वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 45वां 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई।
47वां अधिवेशन जो है 1932 में दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ के नेतृत्व में, 48वां जो है 1933 में कलकत्ता में श्रीमती नेल्ली नरसिम्हा सेन गुप्ता के नेतृत्व में, 49वां जो है 1934 में बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में, 50वां जो है 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पृष्ठ संख्या 97। 51वां जो है वो 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। 53वां जो अधिवेशन था वो 1939 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। 54वां जो है 1940 में रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में। 55वां जो है 1946 में मेरठ में आचार्य जे बी कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष थी। 56वां जो है 1948 जयपुर में हुआ था, ये डॉक्टर प्रतापी सीतारामैया की अध्यक्षता में। और 97वां जो है 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में। नोट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हमारा अगला अध्याय है ब्रिटिश आयोग और समितियां। तो इनाम आयोग जो था 1852 में बना था, इसके अध्यक्ष का नाम था इनाम, और ये लॉर्ड डलहौजी जो थे इसके गवर्नर या वायसराय थे, और इसका उद्देश्य भूमि संबंधी विवेचना थी। अगला है दुर्भिक्ष आयोग 1880 में रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में, लिटन के कार्यकाल में अकाल निवारण हेतु विचार किया गया। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर के द्वारा रिपन के शासनकाल में शिक्षा के विकास के लिए गठित किया गया। एचिसन आयोग 1886 में चार्ल्स एचिसन द्वारा डफरिन के शासनकाल में नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार के लिए बनाया गया था। अफीम आयोग 1893 में लैंसडाउन के नेतृत्व में काल में अफीम सेवन को रोकने हेतु किया गया था। हर्षल समिति 1893 में हर्षल इसके अध्यक्ष थे, और इसका लैंसडाउन के कार्यकाल में ये टकसाल संबंधी सुझाव के लिए बनाया गया था। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लॉयल इसके अध्यक्ष थे, और इसके एल्गिन के शासनकाल में यह बनाया गया था प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार के लिए। फिर एक और दुर्भिक्ष आयोग 1901 में बना था एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में, जिसके कर्जन के कार्यकाल में द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग का रिपोर्ट पर सुझाव देना था। सिंचाई आयोग बनाया गया 1901 में वॉल्विन स्कॉट के द्वारा कर्जन के काल में सिंचाई के सुधार हेतु वित्तीय विचार के हेतु। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रेले के अध्यक्षता में कर्जन के शासनकाल में इसमें भारतीय विश्वविद्यालय पर ही स्थिति पर विचार देना था। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर के अध्यक्षता में 1900 कर्जन के काल में पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार के उद्देश्य से बनाया गया था। इस लिंकटन आयोग 1912 में इस लिंकटन के अध्यक्षता में हार्डिंग्स की कार्यकाल में नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार था। मैकलेगन समिति 1914 में मैकलेगन की अध्यक्षता में हार्डिंग्स के कार्यकाल में सरकारी वित्तीय अवस्था के संबंधित सुझाव था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सैंडलर आयोग 1917 माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में चेम्सफोर्ड के काल में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोषों की जांच के लिए। भारतीय छटनी समिति 1923 में लॉर्ड इंचकेप रीडिंग के काल में शिक्षा संबंधी विचार हेतु। ली आयोग 1924 ईस्वी में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में रीडिंग के कार्यकाल में लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा हेतु। सैंडर्स समिति 1925 में एंड्रयू स्क्रीन रीडिंग के कार्यकाल में भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार। बटलर समिति जो बनाई थी 1927 में हरकोर्ट बटलर के द्वारा अध्यक्षता में इरविन के काल में देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए। अगला पृष्ठ है 98। साइमन आयोग 1927 में सर साइमन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, इसका इरविन के कार्यकाल में 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु। लिलिथगो आयोग 1928 में लिलिथगो के अध्यक्षता में बनाई गई इरविन के शासनकाल में कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार हेतु। वाइटले आयोग जो बना था 1928 में जे एच वाइटले इरविन के काल में श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए। लिंडसे आयोग 1929 में लिंडसे के अध्यक्षता में इरविन के काल में बनाया गया था भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में इरविन के काल में शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु किया गया था। सप्रू समिति 1934 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में विलिंगटन के कार्यकाल में बेरोजगारी की समीक्षा की समस्या की समीक्षा हेतु बनाया गया था। भारतीय परिसीमन समिति 1935 में लॉरी हैमंड के अध्यक्षता में विलिंगटन के काल में निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु की बनाई गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिलिथगो के कार्यकाल में आर्थिक योजना के लिए बनाई गई थी। क्रिप्स आयोग 1942 में स्टफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में लिलिथगो के काल में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु बनाया गया था।
कैबिनेट आयोग 1946 में पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में लॉर्ड बेबल के शासनकाल में बनाया गया था। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में सर चार्ल्स वुड के अध्यक्षता में वेबल के काल में बनाया गया था। बंगाल में अकाल के कारणों के विचार हेतु और सर्जेंट आयोग बनाया गया था 1944 में सर जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में वेबल के द्वारा कार्यकाल में शिक्षा के विकास हेतु। अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला अध्याय है 53वां, भारत का ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, प्रमुख युद्ध, उनके वर्ष और उनके परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी को हराया। खनवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमुंड को हराया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवाश का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों को हराया। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। अगला है पृष्ठ 99। रुहेला का युद्ध 1774 में हुआ। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ, इसमें निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में। प्रथम चीन युद्ध भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में। प्रथम पाक भारत पाक युद्ध 1965 में। द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में। नोट, प्रथम विश्वयुद्ध 1914 से 18 ईस्वी में और द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 से 45 में हुआ। अगला जो हमारा अध्याय है 54वां, प्रमुख राजवंश, उसके संस्थापक और राजधानी। हर एक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार राजगृह में, उनकी राजधानी थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक है शिशुनाग, इसकी राजधानी वैशाली। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। हुन वंश के संस्थापक तोरमांड, जिसकी राजधानी सियालकोट। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र, जिसकी राजधानी धारा नगरी। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, जिसकी राजधानी कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट प्रथम, जिसकी राजधानी कन्नौज। राजकुट वंश के संस्थापक दांतीदुर्ग, जिसकी राजधानी मानिखेड़। सईद वंश के संस्थापक खिज्र खां, जिसकी राजधानी दिल्ली। लोधी वंश के संस्थापक बल्हौल लोधी, दिल्ली, राजधानी दिल्ली। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, जिसकी राजधानी तंजौर। पांडे वंश के संस्थापक नोडियन मधुर, जिसकी राजधानी मधुरै। यादव वंश के संस्थापक विल्लम पंचम, जिसकी राजधानी थी देवगिरी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन, जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल, जिसकी राजधानी थी त्रिपुरी। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह, जिसकी राजधानी थी विजयनगर। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, जिसकी राजधानी थी विजयनगर। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज, जिसकी राजधानी थी अनिलवाड़। शर्की वंश के संस्थापक मलिक सरवर, जिसकी राजधानी थी जौनपुर। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी, जिसकी राजधानी थी रायगढ़। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जिसकी राजधानी थी मुंगेर। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, जिसकी राजधानी थी अजमेर। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज। कुषाण वंश के संस्थापक जो थे वो थे कुजुल्फ कटफिशेस, जिसकी राजधानी थी पुरुषपुर। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, जिसकी राजधानी थी थानेश्वर कन्नौज। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, जिसकी राजधानी थी खजुराहो। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ, जिसकी राजधानी थी कांचीपुरम। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चालुक्य बदामी के संस्थापक थे जयसिंह प्रथम, जिसकी राजधानी थी वर्तापी। चालुक्य वेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन, इसकी राजधानी वेंगी। चालुक्य कल्याणी की संस्थापक तैलवदित्य, इसकी राजधानी मान्यखेट कल्याण। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी राजधानी दिल्ली। तुगलक वंश के संस्थापक यासुद्दीन तुगलक, जिसकी राजधानी दिल्ली। कुतुबशाही वंश के संस्थापक कुली कुतुबशाह, जिसकी राजधानी गोलकुंडा। आदिलशाही वंश का संस्थापक है आदिलशाह, जिसकी राजधानी बीजापुर। निजामशाही का संस्थापक है मलिक अहमद, जिसकी राजधानी अहमदनगर। इमादशाही की संस्थापक है फतेहउल्ला इमाद शाह, जिसकी राजधानी बरार। कुतुबशाही वंश के संस्थापक कुली कुतुबशाह, जिसकी राजधानी है गोलकुंडा। आदिलशाही वंश के संस्थापक है आदिल शाह, जिसकी राजधानी बीजापुर। निजामशाही के संस्थापक है मलिक अहमद, जिसकी राजधानी है अहमदनगर।
इमाद शाही के संस्थापक हैं फतेहउल्लाह इमाद शाह, जिसकी राजधानी है बरार। संगम वंश के संस्थापक हैं हरिहर एवं बुक्का, जिसकी राजधानी है विजयनगर। बामनी वंश के संस्थापक हैं हसन गंगू, जिसकी राजधानी गुलबर्गा बीदर। अराविडू वंश के संस्थापक तिरुमल, जिसकी राजधानी है पेनकोंडा। वरिद शाही की संस्थापक हैं अमीर अली बरीद, जिसकी राजधानी है बीदर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, जिसकी राजधानी दिल्ली आगरा। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज निजामुल मुल्क, जिसकी राजधानी थी हैदराबाद। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 55 में, सामाजिक सुधार अधिनियम। शिशु वध प्रतिबंध लगाया गया था गवर्नर जनरल वेलेजली के काल में 1798-1805 में, और इस पर शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 100। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलन बेलो के काल में 1843 में। 1833 के चार्टर अधिनियम 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 में विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 में अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन देने हेतु। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन के काल में लगाया गया 1891 में। लड़की के लिए विवाह आयु और लड़के की विवाह आयु निर्धारित की गई। शारदा एक्ट इरविन के काल में 1930 में लगाया गया। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई। हमारा अगला अध्याय है 56, भारतीय प्रेस का विकास। बंगाल गजट, जिसके संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की है, इसका स्थापना 1780 में कलकत्ता में, भारत का पहला समाचार पत्र। दूसरा है इंडिया गजट, 1787 में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। मद्रास कुरियर 1784 में मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र हुआ। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। दिग्दर्शन 1818 में कलकत्ता से प्रथम बांग्ला मासिक। समाचार दर्पण विलियम कैरी की संस्थापक हैं इसके, 1818 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र। मिरातुल अखबार ये इसके संस्थापक हैं राजा राममोहन राय, 1822 में कलकत्ता से प्रथम फारसी पत्रिका। जामे जहान नुमा एक अंग्रेजी फॉर्म ने इसकी स्थापना की थी 1822 में कलकत्ता से, उर्दू के प्रथम समाचार पत्र। बंगदूत राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य के द्वारा स्थापित किया गया था 1822 ईस्वी में कलकत्ता से, चार भाषाओं अंग्रेजी बांग्ला हिंदी और फारसी में साप्ताहिक। बॉम्बे समाचार 1830 में बम्बई, गुजरात का प्रथम समाचार पत्र। बॉम्बे टाइम्स 1838 में बम्बई, 1861 ईस्वी में यह टाइम ऑफ इंडिया बना। रस्ट गफ्तूर दादाभाई नौरोजी द्वारा 1851 में बम्बई से, एक गुजराती पाक्षिक है। अगला है हिंदू पैट्रियट गिरिशचंद्र घोष, बाद में यह हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बने 1853 में कलकत्ता से। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा 1858 में कलकत्ता, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा। इंडिया मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 में कलकत्ता से। बंगाली गिरिशचंद्र घोष 1862 में कलकत्ता से। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर 1865 में कलकत्ता से। मद्रास मेल 1868 में मद्रास से, भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। अब हम आगे चलते हैं हमारे अंतिम पृष्ठ जो है 101। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे 1868 में, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ यह बांग्ला समाचार पत्र था। अगला था बंगाल दर्शन बंकिमचंद्र चटर्जी के द्वारा 1873 में कलकत्ता से, एक बांग्ला मासिक था। अगला पत्र है स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1875 में कलकत्ता से, भारतीय प्रेस द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। अगला है हिंदू जी एस अय्यर एवं वीर राघवाचारी 1878 में मद्रास से प्रकाशित हुआ। अगला है ट्रिब्यून दयाल सिंह मिजीठिया 1881 में लाहौर से। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1881 में बम्बई से, केसरी मराठा दैनिक और मराठा जो है अंग्रेजी साप्ताहिक। स्वदेशी मित्रम जी एस अय्यर के द्वारा मद्रास से, बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन अच्छा ये स्टार मार्किंग को बताया गया है कि अमृत बाजार पत्रिका जो है वो बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में यह अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। और तिलक का जो केसरी और मराठा है उसके विषय में बताया गया कि तिलक के संपादन बनने से पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था, जो बाद में तिलक के द्वारा संपादित किया जाने लगा। तो
हमारा आज का जो ये विषय है यही समाप्त होता है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।